स्टूडेंट दिस इज पंकज धिमान फैकल्टी मेम्बर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ थ्री ईयर एल एल बी फर्स्ट ईयर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आज से हम जो है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे देखिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज

तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी उनका काम सिर्फ बिज़नेस करना था और जब वो बिज़नेस करने आए तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे लैंड एक की और जब लैंड एकवाइड की उनके बड़े सारे लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट हो गए तो फिर उन्होंने क्योंकि जब लोग रहते हैं तो वहाँ पर एक समाज बनता है सोसाइटी बनती है समाज में डिस्प्यूट भी होते हैं ऑफेंसेस भी होते हैं बड़ा सारा लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की भी कोशिश की और इसी वे में उन्होंने यहाँ पे जो है लीगल कोर्ट्स भी बनाए लीगल सिस्टम भी स्टार्ट किया जुडिशल सिस्टम भी इंडिया में स्टार्ट किया तो हम, हम आपके पास जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे तो हम पहले टू क्वेश्चन में बात करेंगे कि सेवनटीन से पहले जो मद्रास का अड, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको समझना है उसके बाद आप बॉम्बे का जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको समझना है तो बिफोर 1726 ही क्यों बिकॉज 1726 से पहले इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर्स थे वो कंपनी के अधीन होके कंपनी के अंडर रह के इंडिया को जो है एडमिनिस्टर कर रहे थे लेकिन उनमें काफ़ी कमियां निकली वहाँ पे बड़ा सारा करप्शन था एक्सप्ल्टेशन ऑफ जो नेटिव पीपल्स थे यहाँ के जो हिंदी तो हिंदू थे मुस्लिम्स थे जब बाकी कम्युनिटीज उनके साथ बहुत ज़्यादा था लोकल्स को बिल्कुल भी जो यहाँ पे जो है स्पेयर नहीं किया जाता था तो फाइनली जो है 1726 ट्वेंटी सिक्स में ब्रिटिश क्राउन जो थे जो हमारा ब्रिटिश क्राउन ने ये सारा सिस्टम जो अपने अंडर ले लिया उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम जो है उसको जो है देखना स्टार्ट किया उनकी टेरिटरी को उन्होंने देखा कि उतना वो क्या काम कर रहे हैं उनका काम करने का तरीका क्या है और बड़े सारे रूल एंड रेगुलेशन उन पर बनाए तो जनरली हम जहाँ पे जो काम देखेंगे मद्रास का जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे और बॉम्बे का जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी देखेंगे कलकत्ता का भी है लेकिन आपके इस बुक में सिर्फ मद्रास और आ, बॉम्बे का ही है तो उनका हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेवेंटीन से पहले ये दोनों ही जो थे मद्रास और बॉम्बे ये कंपनी के अधीन थे और कंपनी के अधीन अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ द कंपनी इनका आ, कैसे इनका जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो हमने देखना है उसके बाद फाइनली जो है 1726 का जो है चार्टर पास हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू और उसके बाद चार्टर में क्या क्या चेंजेस जो है क्या क्या अमेंडमेंट जो है कंपनी के सिस्टम में की गई फिर हम उनको समझेंगे तो 1726 के बाद जो है जो कंपनी का जो सारा काम है वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती थी तो इसलिए उनकी जो है रूल एंड रेगुलेशन फिर हम चार्टर उनके देखेंगे तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मद्रास में सेवेंटी ट्वेंटी सिक्स से पहले जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तो इंट्रोडक्शन देखिए बहुत प्यारी इंट्रोडक्शन है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉ इज़ रिलेटेड विद द अराइवल ऑफ़ द ब्रिटिश पर्सन एंड द दैबलिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में जो हिस्ट्री uh, है रिलेटेड टू लॉ वो ब्रिटिश पर्सन जब इंडिया में आए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी तभी से स्टार्ट हो जाती है इट इज़ वेल नाउन दैट द ब्रिटिश पर्सन व कम एट इंडिया विद द एम ऑफ ट्रेड इन द ईयर 1601 तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए तो सोलह ईस्वी में बोला जाता है सोलह से ई सोलह में जो ब्रिटिशर्स थे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे फर्स्ट ऑफ ऑल इन दयर सिक्सटीन ट्वेल्व इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री थी उन्होंने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाई उन्होंने इसकी परमिशन जो है मुगल एम्प्रर थे उस टाइम जहांगीर उससे ली उसके बाद उन्होंने थोड़ा और एरिया जो है वो कैप्चर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया वो उन्होंने किंग ऑफ चंद्रगिरी चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे भी उन्होंने कुछ एरिया लिया और जिस ब्रिटिशर्स ने उनसे एरिया लिया था उनका नाम था फ्रांसिस डे इनिशियली इट वॉज़ कॉल्ड द मद्रास पतनम इसको क्या बोला जाता था मद्रास पतनम बोला जाता था तो सूरत में इनकी फैक्ट्री थी सूरत से इन्होंने काम थोड़ा और बढ़ाया सूरत में फैक्ट्री जो इन्हें लगाने का जो परमिशन थी वो जहांगीर से ली थी मुगल एम्प्रायर थे आपको पता होगा उसके बाद उन्होंने थोड़ी और लैंड ली किंग ऑफ चंद्रगिरी से और वो फ्रेंसिस डी थे डे थे जिन्होंने ये लैंड ली थी उस टाइम पर इसको मद्रास पतनम बोला जाता था टू काइंड ऑफ सेटलमेंट वर मेड हेयर विद ने व व्हाइट टाउन और यहाँ पे उन्होंने वाइट टाउन और ब्लैक टाउन बनाए ये आप देखेंगे आगे क्या है सिस्टम इन द कोर्स ऑफ टाइम द इंटायर टेरेटरी कंप्राइजिंग वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन डिवेल्प इन टू द सिटी ऑफ मद्रास मद्रास धीरे धीरे डेवलप हुई और सिटी ऑफ मद्रास में दो टाउन हुआ करते थे वाइट टाउन और ब्लैक टाउन तो वाइट टाउन में जो है सभी ब्रिटिशर्स रहते थे और ब्लैक टाउन में जो इंडियंस और बाकी माफी जो थे वहाँ पर रहते थे तो ये है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इस तरीके से आपके पास जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आ, सबसे पहले जो ज़मीन जहाँ पे खरीदी गई थी वो फ्रांसिस डे ने खरीदी थी और मद्रास सिटी जो बनाई थी किसने बनाई थी फ्रांसिस डे ने ही बनाई थी आ, जुडिशल सिस्टम देखते हैं तो जुडिशल सिस्टम कोई ठीक नहीं था कौन सा लॉ अप्लाई होता था कोई पता नहीं था जुडिशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होंगे ये पता नहीं था आ, कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे उनका जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन और उससे रिफॉर्म कैसे होंगे कुछ भी वहाँ पर उस टाइम पर नहीं था लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पे फिर जो है जुडिशल जो है अवेयरनेस आने लगी और धीरे धीरे जैसे कंपनी का जो एरिया है उसकी टेरिटरी जो है उसकी एक्सपेंशन स्टार्ट होना स्टार्ट होगी तो उन्होंने धीरे धीरे जो यहाँ पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी स्टार्ट किया तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हम जो है यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट फेज में सिक्सटीन थर्टी नाइन टू सिक्सटीन सिक्सटी फाइव तो पहला फेज हम देखेंगे उसके बाद सेकेंड फेज़ देखेंगे सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटीन एट्टी फाइव और फिर हम थर्ड फेज़ देखेंगे 1686 टू 1726 उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनीज के अफेयर में तो फर्स्ट इनका देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अब मद्रास प्रेसिडेंसी थी इंडिया में तीन प्रेसिडेंसी थी आपको याद रखना है नाइनटीन ट्वेंटी से पहले एक मद्रास का प्रेजिडेंसी थी एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरी थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा एरिया होता था इनका तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या उनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे क्योंकि मद्रास में ही सूरत में ही सबसे पहले यहाँ पे वो आए और यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी ये सारा जो है उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के एंट्री ही हुआ करता था उसके बाद उन्होंने और ज़मीन खरीदी तो ये सारा चीज़ें उसमें तो फर्स्ट फेज़ में सिक्सटीन थर्टी नाइन टू सिक्सटी सिक्सटी फाइव देखेंगे जस्टिस इन द वाइट टाउन तो वाइट टाउन जो उन्होंने इस मद्रास प्रेसिडेंसी में जो सिटी में जो उन्होंने जो कोर्ट बना रखी थी वो दो टू टाइप की थी एक वाइट वाइट uh, टाउन में और एक ब्लैक टाउन में तो वाइट टाउन में उन्होंने कोर्ट ऑफ उसको बोला जाता था कोर्ट ऑफ एजेंट्स क्या बोला जाता था कोर्ट ऑफ एजेंट बोला जाता था एंड देयर काउंसिल इन द वाइट टाउन जस्टिस वाज डिलीवर्ड बाय द इंग्लिश एजेंट्स एंड लीज काउंसिल तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होते थे जुडिशी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते थे जो भी डिस्प्यूट होते थे उनको सॉल्व कौन करती थी ये जो कोर्ट ऑफ एजेंट्स एंड काउंसिल होती थी यहाँ पे सारे सिविल और क्रिमिनल मैटर देखे जाते थे uh, कोई एफिशिएंट लीगल सिस्टम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन uh, जस्टिस जो है उसमें काफ़ी कमियाँ थी काफ़ी डिलेड था uh, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट टाउन के जो पीपल थे वो कौन थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही होता हुआ करते थे उनके लिए ही ये जुडिशल सिस्टम था जो ब्लैक टाउन था उनके लिए जुडिशल सिस्टम अलग था जिसको चॉलेटरी कोर्ट भी बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंड याद रखना आपको चॉलेट्री कोर्ट तो उन्होंने जो दो सिटीज बनाए टाउन बनाए थे वाइट टाउन वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रहते थे अंग्रेजे रहते थे और उनके लिए उन्होंने अलग से कोर्ट बना रखी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ एजेंट्स एंड काउंसिल सिविल और मैटर सभी जो मैटर जो भी होते थे वही देखते थे इंडियंस के लिए उन्होंने ब्लैक टाउन कोर्ट्स बना रखे जिसको चोरीटी कोर्ट भी बोला जाता था, था और ये जो है ट्रेडिशनल सिस्टम के बेसिस पे चलती अंग्रेज यहाँ पे नहीं होते थे और यहाँ पे जो है हेड ऑफ़ द विलेज जो होता था जिस को अधिकार बोला जाता था वो जो है यहाँ पे डिसीजन करता था वो छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल मैटर सारे देख लेता था लॉ एंड ऑर्डर को देखता था सिविल और क्रिमिनल मैटर सारे देखता था कस्टम हाउस भी था कस्टम के अकॉर्डिंग जो डिसीजन होते थे और जमीन की खरीद फरोख से रिलेटेड भी जो डिस्प्यूट होते वो देखता था अब मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल केस क्रिमिनल केसेस जो पावर बड़ी कम थी अगर कोई ग्रीवियस क्रिमिनल केस हो जाता है कोई हत्या हो जाती है मर्डर हो जाता है या ग्रीवियस हर्ट हो जाता था तो वहाँ का जो नेटिव राजा होता था वहाँ पे केस चला जाता था और वो पनिशमेंट जो है सुनाता था तो ये है यहाँ पे इनका उसके बाद जो है उन्होंने वहां पे एक फर्स्ट फेज होने से पहले 1661 सिक्सटी वन में एक, आ, एक कोर्ट बनाई थी जिसको बोला जाता था, था उस टाइम पे गवर्नर एंड काउंसिल गवर्नर काउंसिल बनाई थी लेकिन वो इतनी इंपेक्टफुल यहाँ पे नहीं रही थी तो इस पोर्शन को आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएंगे लेकिन यहाँ पे ये रखना है कि उन्होंने जुडिशियल पावर जो है किसके पास दी हुई थी उन्होंने गवर्नर काउंसिल ये सबसे बड़ी बॉडी हुआ करती थी उस टाइम पे चाहे वाइट टाउन हो या ब्लैक टाउन हो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छा अब सेकंड फेज़ की बात करते हैं यहाँ पे तो सेकंड फेज़ में सबसे पहले आपके पास 1666 से लेके 1885 तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सेकंड फेज़ में क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पे तो 1666 से लेके कर तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस और रिफॉर्म जो है इंडियन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुए वहाँ पे जो भी रिफॉर्म्स uh, जो है जुडिशरी से रिलेटेड किए गए सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल तो अभी आपने ऊपर एक कोर्ट पढ़ी जिसका नाम था गवर्नर एंड काउंसिल था जो उन्होंने बना तो दी थी और सारा जुडिशियल सिस्टम इनके पास ही होता था और जो चोरिटी कोर्ट थी जो वाइट टाउन और ब्लैक टाउन थी उनके अंडर ही थी सारी अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि एक परमानेंट गवर्नर एंड काउंसिल बनाई तो पहले इसको बोला जाता था गवर्नर एंड काउंसिल देख लीजिए इसको पहले गवर्नर एंड काउंसिल बोला जाता था, था अब सेकंड फेज में इन्होंने इसको बोला स्टार्ट कर दिया कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल तो अब इसको क्या बोला जाता था कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल सेकंड फेज में इन्होंने बनाई तो गवर्नर जो होता था वो सभी तरीके के मैटर चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो कंपनी के जो सर्वेंट होते थे कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉय थे जितने भी सर्वेंट थे अंग्रेज थे उनसे रिलेटेड सभी को क्रिमिनल और सिविल मैटर वो सारे देखता था सारे रिजिटक्शन थी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड के लॉ के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कोई लॉ नहीं था कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा ये पता नहीं था लेकिन सेकेंड फेज में आपने देखा कि वहाँ पर इंग्लिश लॉ अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था द स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ गवर्नेंट काउंसिल वॉज ड्यू टू अ केस ऑफ ट्रायल ऑफ मिस्टर असेंटियर दावेज असंटिया दावेज की वजह से जो है ये जो कोर्ट हमारे पास कोर्ट ऑफ गवर्न काउंसिल बनी थी उसकी वजह से बनाई गई थी इतना आपको याद रखना है यहाँ पे अब इसका देख लेते हैं वर्किंग स्टाइल क्या था तो वर्किंग स्टाइल इनका था था कि ये कोर्ट जो है हफ्ते में एक दो बार बैठती थी इन डिसाइडिंग क्रिमिनल क्रिमिनल सभी सिविल और क्रिमिनल केसेस देखते थे एंड हैप द ज्यूरी और साथ में इनकी जूरी भी होती थी तो यहाँ पे ये जो कोर्ट थी कोर्ट ऑफ गवर्नर इन काउंसिल इसके साथ जो है ट्वेल्व ज्यूरी मेंबर भी होते थे ये सारे ब्रिटिशर्स ही होते थे और जो है लेटर ऑन दिस कोर्ट डेजिग्नेटेड एज द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडी इसको हाई कोर्ट का दर्जा भी जो है उस टाइम पे जो है मिल चुका था तो जितने भी आगे कोर्ट्स आप पढ़ेंगे जैसे चोरीटरी कोर्ट पढ़ेंगे मेयर कोर्ट पढ़ेंगे उनके ऊपर ये सबसे बड़ी कोर्ट हुआ करती थी ये भी बनी एक टाइम पे तो सबसे पहले उन्होंने कोर्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल यहाँ पर बनाई और उसका आपने देखा सिस्टम किया था दूसरा इन्होंने यहाँ पर अब तो आ, अब आपने देखिए कि ब्रिटिशर्स के लिए तो उन्होंने पहले वाइट कोर्ट थी वाइट कोर्ट की जगह पे ये क्या लिया है गवर्नर काउंसिल लिया है अब दूसरी थी चॉलेटरी कोर्ट तो फर्स्ट फेज में चौलेट्री कोर्ट में भी इन्होंने चेंजेस की उसको रीऑर्गेनाइज ने किया अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस हुई अब यहाँ पे ब्रिटिश राष्ट्र इंडिया में होना स्टार्ट हो गया पहले नेटिव पे जो है ब्रिटिश राज नहीं था इन दिस प्लेस द जुडिशियल सिस्टम ऑफ चोरिटरी कोड वाज आल्सो चेंज एंड एंडफॉर्म द नेटिव लॉ ऑफिसर्स नेमली द आदिगार वर रिप्लेस बाय द ब्रिटिश सर्वेंट अब कंपनी का जो सर्वेंट था ब्रिटिश सर्वेंट जो हुआ करता था वो आदिगार के रिप्लेस हो गया अब हेड ऑफ द विलेज जो है वो डिसीजन नहीं वो केसेस को नहीं सुनता था सिविल और क्रिमिनल केसेस को अब कौन सुनता था इंग्लिश सर्वेंट में ही सुनता था डी सर्वेंट्स वर ऑल्सो वर्किंग एज पे मास्टर इनको पे मास्टर बोला जाता था मिंट मास्टर भी बोला जाता था कस्टम मास्टर भी इनके नाम अलग अलग दिए होते थे दिस कोर्ट वाज होल्डिंग एट सेटिंग इंटवाइ ये भी हफ्ते में दो बार बैठती थी ट्यूजडे और फ्राइडे को और ये फिफ्टी पैगौड़ाज तक से फिफ्टी पगौड़ा टाइम पर करेंसी जो पैगौड़ा चलती थी तो फिफ्टी पैगौड़ाज तक के जितने भी इशूज हो सिविल मैटर पैसे के बेसिस पर जितने मैटर होते थे इनको सुनते थे क्रिमिनल केसेज ये माइनर नेचर के सुनते थे अपॉइंटमेंट और यहाँ पे मार्शल की अपॉइंटमेंट भी की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस में मार्शल की अपॉइंटमेंट भी की गई थी प्रिजनर्स को कहाँ पे रखा जाएगा और उस टाइम पे सजा के तौर पे जो है जो पशुधन होता था और गुड्स होते थे उनको भी जब्त कर लिया जाता था अपील कहाँ पे की जाती थी तो हाई कोर्ट ऑफ ड्यूटी अभी आपने देखा ऊपर आपने देखी कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड इन काउंसिल जो आपने देखी तो चोल्टी कोर्ट के जो अगर आपने उस चोल्टी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपने अपील करनी है तो आप कहाँ पे करेंगे उसी कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर करेंगे जिसको हाई कोर्ट का दर्जा यहाँ मिला हुआ था तो ये आपने देखा सेकंड फेजेस में कुछ चेंजेस किए गए उन्होंने वाइट को कोर्ट वाइट टाउन के लिए उन्होंने जो है गवर्नरिंग काउंसिल बना दी और वाइट टाउन के लिए जो ब्लैक टाउन था उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे जो है उन्होंने जो ब्रिटिश सर्वेंट को जो कंपनी का था उसको ही वहाँ पर अपॉइंट कर दिया फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड सिविल केसेज द दटिवस ऑफ इंडिया थर्ड फेज़ में आप देखेंगे जो फाइनली नाइनटीन से पहले और चेंजेस उन्होंने किया कि अब उन्होंने यहाँ पर तो एडमिनिटी कोर्ट भी बनाएगी एडमिरल्टी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब इन्होंने क्या किया कि जो आ, क्योंकि उस टाइम पे जितना भी व्यापार होता था ट्रेड होता था वो थ्रू शिप ही होता सी ही होता था शिप और वॉयज के थ्रू ही होता था तो उन्होंने मर्चेंटाइल और मैरी आ, मैरी टाइम जो होते हैं एडमरिटी को वैसे नौ वाहन विभाग ही बोला जाता है तो उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर होते थे उनके रिलेटेड जितने भी जुडिशल मैटर थे उनको राइट दे दिया इन्होंने एडमट्री कोड वहाँ पर बना दी तो मर्चेंटाइल मैटर और मेरी टाइम मैटर जितने भी होते थे आ, सी से रिलेटेड सी ट्रेड से रिलेटेड सी आ, जो है व्यापार जो होता था उससे रिलेटेड सभी मैटर जो है चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो ये सारी पावर उन्होंने किसको दे दी एडमिनिटी कोट को दे दी इसके लिए उन्होंने एडमिटरी कोर्ट बना दी और सबसे बड़ी बात उन्होंने सेवेंटी ज़ीरो फोर में यहाँ पर जो है जुडिशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दी तो यहाँ पर जो जज हुआ करते थे देयर जज वाज कॉल्ड जज एडवोकेट हुआ करते थे और एडवोकेट जज जनरल की भी अपॉइंटमेंट उन्होंने यहाँ पर की और ये मद्रास एरिया में हाइस्ट कोर्ट होती थी और एक टाइम तो इन्होंने जो है और ये जो आगे मेयर कोर्ट देखेंगे मेयर कोर्ट के अपील भी यही सुनते थे इसके साथ उन्होंने यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुई थे इट वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट द एडवोकेट यहाँ पे अपॉइंट जज की पोस्ट के लिए जो है एडवोकेट यहाँ पे अपॉइंट किए गए क्योंकि यहाँ पे जज एडवोकेट जो है उन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिए सेकंडली द एग्जीक्यूटिव और कंपनी वाज केप्ट अवे फ्रॉम द जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन दस द इंडिपेंडेंस ऑफ जरूरी और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जो है यहाँ पे जुडिशरी से अलग कर दिया तो गवर्निंग काउंसिल जो थी उसको उन्होंने यहाँ पे एडमिनटरी कोड अलग से बना दी और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ जुडिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट की तो एग्जीक्यूटरी और ये जुडिशरी में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस भी यहाँ पे दोनों में इनको सेपरेट कर दिया और बहुत जरूरी होता है और यही कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा कि यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटरी का अलग होना जरूरी है तो गवर्निंग काउंसिल को इन्होंने क्या किया एडमिनिटरी कोर्ट से अलग कर दिया एडमिनिटरी कोर्ट अपने मैटर सुनते थे और वहाँ पे जुडिशियल पर्सन की अपॉइंटमेंट उन्होंने की एड जो गवर्नमेंट काउंसिल थी वहाँ पे जो है कोई लॉ ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं होते थे तो उसके बाद जो है आ, बस इतना ही आप इसको यहाँ तक ही पढ़िएगा ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए अब तीसरा आपके पास यहाँ पे मेयर कोर्ट है मेयर कोर्ट एक तो इन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट बनाई और साथ में इन्होंने मेयर कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी की तो मेयर कोर्ट देखिए द सेकेंड इंपॉर्टेंट इस स्पेसिफिशसी ऑफ दिस फेस मेयर कोड व मद्रास इन द ईयर सिक्सटीन एटी एट अंडर द क्राउन चार्टर ऑफ सिक्सटीन एटी सेवन क्राउन चार्टर यहाँ पे बनाया गया उसके चार्टर के अंडर जो है मेयर कोड यहाँ पे बनाई गई दिस कोड वॉज कंसिस्टिंग ऑफ मेयर एंड एल्डर मैन यहाँ पे एक मेयर होता था और एक एल्डर मैन होता था uh, अंडर दिस देयर मेयर एंड यहाँ पे एक मेयर होता था और ट्वेल्व एल्डर मैन होते थे सारे ब्रिटिशर्स नहीं होते थे आउट ऑफ ट्वेल्व एल्डर मैन थ्री वर टू बी दी कन्वेंटेड इंग्लिश सर्वेंट वो अंग्रेज होने चाहिए थे और तीन किसी भी uh, जो है बाकी जितने भी हैं वो किसी भी नेशनलिटी के वहाँ पे हो सकते हैं इनका काम क्या था तो जो मेयर कोर्ट बनाया गया इट वॉज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थी तो कंटेम्ट अगर कोर्ट का कोई करता तो उसके लिए उसको पनिश भी करते कोर्ट के ऑर्डर कोई ना माने तो उसको पनिश भी यहाँ पे कर सकते थे इसके अलावा इट मे बी सिविल और क्रिमिनल ये इसके अलावा एडमिनिट्री कोर्ट के पास सिर्फ सिर्फ जो है मैरी टाइम मैटर्स थे और मर्च टाइम मैटर थे इसके अलावा जितने भी मैटर्स थे सिविल और क्रिमिनल ये सुनते थे और ये इंडियंस को फांसी की सज़ा भी दे सकते थे लेकिन इंग्लिश मैन को ये फांसी की सजा जो है नहीं दे सकते और इनकी अपील अपील जो है मेयर कोर्ट की वो कहाँ पर की जाती थी एडमिलिट्री कोर्ट में ही की जाती थी और हाँ तो यहाँ पे जो है अपील है दियर फंडर वाज सेंटेंस टू डेथ और लॉस इन तो फॉर सेंस ऑफ मेयर कोर्ट रिकॉर्डर वॉज ऑल्सो अटैच टू द कोर्ट रिकॉर्डर वॉज एन इंग्लिश रिवेंट ऑफ द कंपनी और एक रिकॉर्डर की अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे की जाती थी और ये रिकॉर्डर भी इंग्लिश मैन ही होता था सर जॉन बिग्स जो थे फर्स्ट मेयर कोर्ट के रिकॉर्डर हुआ करते थे तो मेयर कोर्ट जो है uh, जितने भी डिसीजन थे वो इक्वटी जस्टिस गुड कंसाइंस के बेसिस पे देते थे ये आपको पता ही है क्योंकि इंडियन लॉ उनको पता नहीं होते थे तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस ही जो डिसीजन देते थे तो अब आपने जो है तीन फेज यहाँ पे देखे थर्ड फेज में फर्स्ट फेज में उन्होंने देखा आपने देखा कि वाइट टाउन कोर्ट बनाई उन्होंने और जो है ब्लैक टाउन कोर्ट्स भी उन्होंने बनाए सेकेंड फेज में उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई साथ में उन्होंने वहाँ पर जो है उसमें कुछ बेसिक चेंजेस भी की वहाँ पे उन्होंने दे, आपने देखा कि वहाँ चॉलेटरी कोर्ट में भी चेंजेस उन्होंने कर दी थर्ड फेज में उन्होंने एडमिनिटी कोर्ट बनाई और साथ में मेयर कोर्ट भी बनाई उस तरीके से, से उन्होंने थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम जो है एक्सपेंड किया जुडिशरी को जो एग्जीक्यूटिव से अलग भी किया तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं इसमें हैं आई होप आपको क्लियर हुई होंगी थैंक यू सो मच